तो सबसे पहले तो आपको अपना एडोब प्रीमियर प्रो चालू कर देना है, और मैंने तो RSMB का जो प्रीसेट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको आपको सिंपली इंस्टॉल करना है। वो आपके दोनों एडोब आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो दोनों में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, और जो अपनी क्लिप है सबसे पहले वो इम्पोर्ट कर देनी है। कोई भी क्लिप जिसको आपको RSMB करनी है उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे आप क्लिप देख सकते हैं, इसमें मैंने RSMB नहीं कर रखी पहले, ये नॉर्मल क्लिप है। जैसा आपने देखा है नॉर्मल क्लिप है। आप अपने प्रीसेट इंस्टॉल कर रखोगे तो आप यहाँ पे इफेक्ट में RSMB सर्च करें, और जो RSMB प्रो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी वीडियो के ऊपर, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। और जो आपका आपकी स्ट्रेंथ है वो आप 0.75 से लेकर 1.5 तक रख सकते हो, आपकी FPS पर डिपेंड करता है। ज़्यादा अगर 60 FPS के आसपास है तो 0.75 रखें, और अगर उससे कम है तो 1.5 के आसपास रख सकते हैं। फिर सिंपली आपको रेंडर कर देना है। तो ये प्रीसेट काफ़ी हैवी है तो रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चाहे आपका हाई एंड PC हो तो भी। तो अभी ये रेंडर हो रही है, अब रेंडर होने के बाद आप RSMB भी दिख जाएगी आपको। ये क्लिप मेरी रेंडर हो चुकी है, अब इसको प्ले करके देखो, ये RSMB आपको दिख जाएगी। ये देखिए RSMB लग गई है, क्लिप काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। तो आपको सिंपली अब इसको आपको करना है एक्सपोर्ट, और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको यूट्यूब 4K पे वो करें एक्सपोर्ट, ताकि इसकी क्वालिटी बेस्ट रहे। और अगर आपको ये सेम एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसे ट्यूटोरियल छोड़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना।